दोस्तों अभी का टाइम पर भी सैमसंग अच्छा काम किए जा रहा है और अपना डिवाइस को नॉर्मल वे में लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, इतना भी डिले नहीं कर रहा है, नॉर्मल वे में लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर नया एक इन्फॉर्मेशन निकल गया है कि सैमसंग के द्वारा गैलेक्सी A20s, जी हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे A20 तो लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ रूमर्स और लीक्स निकले हैं, तो A20s का भी इन्फॉर्मेशन कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये निकल के आया है कि यहाँ पे एक नया प्रोसेसर के साथ सैमसंग गैलेक्सी A21s लॉन्च होने वाला है और वो भी बहुत जल्दी। तो दोस्तों इस पर आज बात करेंगे, लेकिन जान पहचान बनाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं टेक विद तिवारी जी चैनल। और आज बात कर लेते हैं क्या सैमसंग की तरफ से नया एक डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A21s उसका इन्फॉर्मेशन पर कुछ लीक्स और रूमर्स आए हैं। चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों सैमसंग के द्वारा जो गैलेक्सी A21s है ये स्पॉट किया गया है गिगबेंच में, और यहाँ पर एक नया प्रोसेसर, जी हाँ, 850 सीरीज का प्रोसेसर के साथ ये दिखने वाला है, जो कि इसका एक कोर या मल्टी कोर 2 GHz पर क्लॉक करता है। अगर आप देखते हैं जो करेंट सिनेरियो है मार्केट में, यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं स्नैपड्रैगन से तो 450 के आसपास का जो चिपसेट है यहाँ पर ये कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये सिंपल सा है कि सिंगल जो कोर है या मल्टी कोर किसी में से एक जो कोर है वो 2 GHz पर क्लॉक करता है और ये फोन है तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस देने वाला है। यहाँ पर नाम की बात करते हैं कि हम लोगों ने नाम इसका A20s क्यों रखा है, तो यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो A20 है और इसका, इसमें थोड़ा सा का अंतर है जिससे ये नेमिंग का कन्वेंशन निकलता है। और ये आसान सा चीज़ है कि सैमसंग इसी तरीके से करता है, यानी A20 जो 1 होगा वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है और A21s होगा वो थोड़ा लाइटर वेरिएंट होगा या स्मॉलर वेरिएंट होने वाला है। दोस्तों इसके साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल गया है, जैसे 2 MP का माइक्रो का आपको यहाँ पर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है, जिससे ये समझ में आता है अगर 2 MP का माइक्रो है तो यहाँ पर क्वाड कैमरा का सेटअप के हिसाब से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं निकला है कि किस तरीके का कैमरा का सेटअप के साथ आने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं स्टोरेज के वेरियंट, तो यहाँ 32 GB और 64 GB का जो स्टोरेज वेरियंट है, यानी 32 GB 64 GB का स्टोरेज वेरियंट के साथ ये आ सकता है। अगर बात करते हैं और थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 4000 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है और एक डिसेंट सा मिड रेंज का फोन होने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ A21s के बारे में काफी कुछ जानकारियां मिला होगा। सैमसंग अपना काम काफी अच्छा से कर रहा है इस सिचुएशन में भी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कुछ ज्यादा फोन लॉन्च नहीं हो रहे, तो अपना ये फोन अच्छे से टाइमली लॉन्च कर रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।